शिमला जिला में रोहड़ू चिड़गांव सड़क मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। सोमवार देर रात करीब 1 बजे पुलिस चौकी जांगल के अंतर्गत एक ऑल्टो कार नंबर HP06A5332 हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई जबकि 2 घायल हैं। घायलों को सिविल अस्पताल रोहड़ू में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार कार में सवार ये 5 लोग रामपुर क्षेत्र से शादी समारोह में जांगल जा रहे थे। रोहड़ू चिड़गांव मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर पब्बर नदी में जा गिरी। रात के अंधेरे में कुछ लोग मौके पर पहुंचे और युवकों को बाहर निकालने की कोशिश की, साथ ही पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तब तक 3 युवक दम तोड़ चुके थे। 2 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों की पहचान श्रेय नेगी उम्र 18 पुत्र लेखराज निवासी गांव करशली डाकघर तकलेच तहसील रामपुर जिला शिमला, शिवांग उम्र 18 पुत्र रूपलाल निवासी गांव कुल डाकघर मझारली और जतीर उम्र 20 साल पुत्र मनीलाल गांव दलाश डाकघर तकलेच तहसील रामपुर के रूप में हुई है। वहीं करुण चौहान उम्र 20 साल पुत्र ताराचंद निवासी गांव गोपालपुर डाकघर करतोट तहसील रामपुर और रमन उम्र 22 पुत्र राजपाल निवासी गांव बशोली डाकघर तकलेच तहसील रामपुर शिमला घायल है। घायलों का इलाज सिविल अस्पताल रोहड़ू में चल रहा है। युवकों में कुछ ITI कर रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।